Assalamu alaikum, dear students. This lecture is for class 6 students. And my dear students, we are studying a chapter that is water. I already have delivered four lectures about the chapter water. And my dear students, today we will start a new topic of your chemistry that is water pollution. My dear students, water pollution means what does this simply mean? Pollution means undesirable change.

रेंसिडिटी हो गई हमारे फूड को वो अनडिजायरेबल चेंज है मेन गोबर रस्टिंग रिश्तर जो आयरन है उसको मेन गोबर रस्टिंग हो गई तो वो अनडिजायरेबल चीज है तो वाटर पोल्यूशन भी एक अनडिजायरेबल चेंज है क्यों मेन गोबर बिकॉज ये वाटर को जब वाटर को पोल्यूशन होती है ये इसको अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बनाता है अब ये पोल्यूटेड वाटर हमारे लिए ड्रिंकिंग पर्पजेज के लिए ठीक नहीं होता आज अगर मैंने एक बार सुन लीजिए तो वाटर पोल्यूशन है अनडिजायरेबल चेंज ये आपको समझ आई अनडिजायरेबल चेंज किसको कहते हैं विच इज हार्मफुल टू वी पीपल हार्मफुल उनको गोबर अनडिजायरेबल को हार्मफुल इन द फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर विच मेक्स इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन बोलते हैं अनडिजायरेबल चेंज को किस में अनडीजरेबल चेंज किस में आती है एक आती है फिजिकल कैरेक्टर में फिजिकल मतलब गो एक्सटर्नल अपेयरेंस फॉर एग्जांपल स्मेल कलर अगर कलर उस चेंज वाटरस वाटर चुनाव कलरलेस अगर इसका कलर होगा तो आप बोल देना ये undes, ये मेन गोबर पोलूट है या स्मेल इसकी बैड होगी तो आप बोल देना मोन गोबर ये ये uh, ये मेन ऊपर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग है तो फिजिकल कैरेक्टर जब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक चेंज होंगे वाटर की तो वो भी अनडिजल चेंज है अगर केमिकल्स फॉर एग्जांपल अगर इसमें ऊपर गोबर ऐड होंगे फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड लेड होगा मरकरी होगा कार्बॉनिक सॉरी नहीं या मोन ऊपर नाइट्रिक एसिड होगा एस होगा अगर इस वाटर में एसडस या बेसिस साल्टज एलिमेंट्स एड होंगे एक्सेसि एलिमेंट्स हार्मफुल एलिमेंट्स तो उसको भी मैग्नीशियम वेगनीशियम वाटर में प्रेजेंट होता है उसको पोलूट वाटर नहीं बोल साल्ट जरूरी है मैं कह रहा हूँ कुछ हार्मफुल हाल्टज हमारे लिए है फॉसफेट्स जो कुछ फॉसफेट्स जो है बड़ी खतरनाक होती है कैल्शियम फॉसफेट फायदेमंद है एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टर बायोलॉजिकल में अलगे ऐसे ना मज़ा ज्यादा इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा होंगे इसमें पैथोजनज होंगे प्रोटोजोआ होंगे तो मोन गोबर ये इसको बोलते है। इसका क्या मतलब है? का physical, chemical, water, तो ये कॉमन सेंस है अगर इसमें वायरस अगर इसमें प्रॉब्लम माइक्रो ऑर्गेनिम है कलर चेंज है, है रब चराल बाकी तो ये तो वाटर पोल्यूशन है तो वाटर पोल्यूशन सिंपल वह है अनडिजरेबल चेंज ये वो चेंज है जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है तो अनडिजरेबल चीज किस में आती है फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर जो इसको अनफिट बनाती है ड्रिंकिंग पर्पजेस के लिए अब जो सब्सटेंसिस वाटर को पोल्यूट करते हैं फॉर एग्जाम्पल वाटर को मड़ पोलूट करता है सॉइल मिक्स होती है या इंडस्ट्री से निकलता है फैक्ट्री से निकलता है घरों से निकलता है साबिया आप चुनेर सारे जो सबस्टेंसेज वाटर को पोल्यूट करते हैं उसको कहते हैं वाटर पोलूटें द सबस्टेंसिस

वाटर पोल्यूशन क्या गई अनडिजल चेंज किसमें फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक साफ वाटर में जिसको अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बनाता है तो उसको वाटर पोलूशन कहते हैं आप जो सबस्टेंसेज वाटर पोलूशन करते हैं उनको क्या बोलते हैं वाटर पोलूटेंट्स जिगर में समझ आया वाटर पोलूटेंट्स बहुत सारे हैं फॉर एग्जाम्पल सीवेज वाटर है ड्रेनेज वाटर है, है हाँ सॉयल है या बहुत सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट है तो दिस इज ऑल अबाउट वाटर पोलूशन एंड वाटर पोलूटेंट्स नाउ माई डियर स्टूडेंट वॉट आर द काजेज ऑफ वाटर पोलूशन दूसरा टॉपिक हम इसी के साथ स्टार्ट करेंगे काजेज ऑफ वॉटर पोल्यूशन काजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन के क्या काजेज है पहला मेन काज जो है इट इज सेवेज एंड डोमेस्टिक वेस्ट my dear students this is the main cause of water pollution sewage and domestic waste it is that waste which comes from our kitchens through our washrooms and this is the main cause of water pollution because my dear students we throw directly this sewage water this domestic waste is into our water bodies due to this our water becomes unfit for drinking

पिशाब विशाब चला जाता है इसमें जो इस हमारे वाटर को और ये इट इज द मेन कंट्रीब्यूटर ऑफ वाटर पोल्यूशन मेन कंट्रीब्यूटर ऑफ वाटर पोल्यूशन मतलब ज्यादा वाटर पोल्यूशन कौन करता है कौन म्यून जिगर यही कौन सीवेज एंड डोमेस्टिक यूज सब्जी वो सारा सब्जी स्न ग खराब सबस मज ला तुज गि सचनस सत्य मज वाशरूम से जो गंदगी निकलती है वो भी लैट्री से वो सारा का सारा वाटर बॉडीज में ड्रेनेज सिस्टम ये ज़्यादा वाटर पोल्यूशन करता है दूसरा पॉइंट जो ज्यादा दूसरा पॉइंट जो है इसको बोलते इंडस्ट्रियल वेस्टस what are industrial wastes industrial wastes are those wastes which come from industries because you know my dear student industries throw lot of effluents into the water body due to the throwing of this waste materials this garbage this effluents into water body is caused, it causes water pollution but main is savage and domestic wastes but industrial wastes are very harmful because industries throw chemicals into the water bodies they cause chemical changes in the water bodies are you getting me, my dear students? They throw lead, germane, they throw lead, uh, mercury, because many episodes were, uh, many big tragedies were causing, to. Die. for example, Minamata episode in Japan, it was when they threw uh, mercury into the water bodies. Uh, thousands of people died there. जापान में एक एपिसोड और मेनीमेटा एपिसोड उसको बोलते हैं मरकरी उन्होंने एक इंडस्ट्री ने डाला था उसमें लोगों ने फिशिज लाई गा, गाड़ आई तिमो उनमें मरकरी था जब उन्होंने खा लिया तो वो बहुत सारे डेथ हो गई तो इंडस्ट्रीज भी बहुत ज्यादा म्यून गोबर क्या करते हैं वाटर पोल्यूशन बिकॉज ये केमिकल्स डालते हैं केमिकल्स जो वाटर पोल्यूशन करते हैं तीसरा वाला पॉइंट जो है जो वाटर पोल्यूशन करता है इट इज ऑयल सपल जब हम ये ना ये हम समुद्री जहाजों के थ्रू लाते हैं कभी एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से ये ऑयल जो है ये फैल जाता है समंदर में ये ऊपर के लेयर पे बैठता है जब ये ऊपर की लेयर पे जाता है ना म्यून गोबर अब ऑक्सीजन नीचे वाटर में नहीं चला जाता जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरते हैं तो जब माइक्रो आर्गेनिज्म मरेंगे तो बड़े आर्गनिज्म खुद मरेंगे बिकॉज इसमें फूड चेन होती है माइक्रो माइक्रोर्गेजम्ज पे ही मतलब फाइटो प्लैंकटन पे बड़ा होता है जू प्लैंकटन फिर अत पे फिशज विशज टॉटाइज सारा डिपेंड अगर आप मूद सारे खत्म हो जाते हैं जिसकी वजह से एक्वाटिक फूड चेन वह ये माइक्रोर्गे ये आर्गेनिज्म मूद फिश विशिज ये सीधे वाटर बॉडीज में मर गई तो अबस यी भक् तो ये वाटर पलूट हो जाएगा ऑयल ऑयल ऑयल्स क्या करा अगर ना डायरेक्टली कर इनडायरेक्टली बहुत डैमेज करते बिकॉज दे डिसरप्ट द एक्वाटिक फूड चेन वाटर बॉडीज में जो माइक्रो आर्ग, जो ऑर्गेजम है उनको ये किल करता है कैसे बिकॉज वाटर सप्लाई ऑक्सीजन सप्लाई स्टॉप होती है चौथा वाला जो है मोन एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स मतलब ये आते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड से इस वाटर पोल्यूशन मेन गोबर हम जानते हैं हुए अस त्रो खाद बागस पेस्टिसाइड्स दिख हैं फर्टिलाइजर्स उब्लिक पेस्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स से ज्यादा गसन एयर पोल्यूशन है बिकॉज ये होते हैं फ्यूम्स में ज्यादा लिक्विड वाला भी करता है तो जब हमने फर्टिलाइजर डाले ना रूद लोगन वाटर रन ऑफ हमारे बागों से वाटर जो है रन ऑफ हो जाता है ये कहाँ से जाता है वाटर किन में यह जाता है मून गोबर कहाँ इन छोटी छोटी नालियों में और ला, ला, लास्ट में रिवर में जाता है तो वाटर पोलूट हो जाता है बिकॉज यहाँ इसी तरह इस खान पे त्राउन जहाँ पे चावल वावल हम ना थल वल वहाँ पर भी फेंकते हैं वहां पर तो मून गोबर खाद आप जो गाबस मजब वाटर पोलूट हो जाता है इसी तरह सोयल एरोजन सॉयल इरुजन और बहुत सारे हैं वो खुद पढ़ सॉयल इरोजन मतलब गो मन गुबुर्ब ने देखा है जब बारिश पड़ती है वाटर क्युन सो सानों कलों मजान गुत कबून अब ज्यादा क्या बिकाजाल पे रूद यह वालन रब त पानस रब कत ग आबस रमारा वाटर जो है यह पलूट हो जाता है और भी बहुत सारे फैक्टर्स है जो वाटर पलूशन करता है वह आप खुद पढ़ोगे फार एक्गजामपल हम गारबेज लक्षचान या मून गोबु स्कूल पलूट करते हैं वाटर या मून गोबर टूरिस्ट वाटर पलूट करते हैं पॉलीथीन वाटर पोल्यूशन करते हैं और बहुत सारे वो आप खुद पढ़ोगे वो छोटे छोटे हैं ज़्यादा बड़े हैं समझ है तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर अल्लाह हाफिज